अरे गंगा, ये सुबह सुबह कहाँ चली? देखो लाला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इस तरीके से रास्ता मत रोका करो। आखिर में मैं एक सीधी सादी भोली भाली गांव की लड़की हूँ, मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। एक बात बता गंगा, आज तू हाथ जोड़ रही है, मैं तो तुझसे ये कहता हूँ दिल से दिल को जोड़ ले, बहुत मजा आएगा, समझ गई? देखो लाला, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और मैं इस घर से किसी दूसरे के घर की बहू बन जाऊंगी। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ इस तरीके से मेरा रास्ता मत रोका करो, कल को गांव वाले क्या कहेंगे, कल को ये बात मेरे ससुराल में पता लगेगी तो कैसे कैसे लोग वो लोग मुझसे शादी करेंगे। अरे गंगा, किसी और गांव में जाने की तो जरूरत ही नहीं है, तू मेरी रखेल बन के रहना, तू मेरी रखेल बन के रहेगी तो तुझे पैसा भी मिलेगा, दाम भी मिलेगा और जो चाहे वो माल मिलेगा तुझे। लाला तुझे कभी गरीबी रेखा से नीचे नहीं जाने देगा, समझे? लाला, तुमने गांव की किसी लड़की या किसी औरत को नहीं छोड़ा, ठाकुर और चौधरी और लाला तुमने, इसीलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। कोई ऐसी औरत नहीं है जो जिसके साथ तुमने ज्यादती ना की हो, कल को आपके भी तो घर में कोई बेटी पैदा हो सकती है। अरे अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में क्या फर्क है? बेटी? अरे हम लाला ठाकुर बेटी, अरे हमारे खानदान में दूर दूर तक तो बेटी का नामो निशान नहीं है, बेटी होने से पहले हम उसका गला घोट देते हैं। जानती नहीं तू हमें, और लेकिन अगर मुझे ठाकुर ने ना बुलाया होता ना तो गंगा आज तू मैली होती, समझ गई ना? मैं बस हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ गंगा, तू हाथ मत जोड़ा कर, हाथ की जगह तू दिल जोड़ा कर गंगा। जाती कहाँ है गंगा, एक ना एक दिन इस गंगा को मैली करके छोड़ूंगा। अरे कहाँ भागी जा रही हो गंगा बेटा, कहाँ भागी जा रही हो, कुछ बोलोगी या नहीं? वो चौधरी साहब, देखो क्यों घबरा रही है, क्या बात है? वो लाला है ना, वो लाला 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 एक नंबर का कुत्ता आदमी है, उसने क्या किया तेरे साथ? वो जब भी मिलते हैं मुझे रास्ते में छेड़ने लगते हैं। छेड़ते हैं? अच्छा देख गंगा, अगर तू इस लाला वाला से डर रही है तो देख, एक बार तू हमारी हो जा, ये लाला और ये बनिया जो भी है ना, इन लोगों को धूल चटा दूंगा, ये तेरी तरफ अगर नजर भी करेंगे तो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं तो आपकी बेटी के समान हूं। क्या बोले जा रही है? तुझे पता भी है इस गांव की जितनी भी औरतें हैं उनको मैंने एक एक करके सूंघा है, पता है ना तुझे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं। बेटी का तो तू नाम भी मत ले, और देख गंगा तू देख मेरी हो जा, फिर तो ये लाला जो है ना, इसको तो ऐसी धूल चटाऊंगा, ऐसी धूल चटाऊंगा, सात पुश्तें भी इसकी याद करेंगी। और देख गंगा तू डरती है, इधर आ, पास आ मेरे, देख तू एक बार मेरी हो जा, क्योंकि मैंने तमाम कलियां सुनी हैं इस गांव की, और एक बार मैं तुझे भी सुनना चाहता हूं। महक तो अच्छी आ रही है पर समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों ने इस गांव में इतना डर फैला रखा है अपना कि गांव की कोई लड़की या कोई औरत बाहर ही नहीं निकलती, निकलती तो मैं भी नहीं हूँ, वो तो मुझे बाबा की दवाई लेके आनी थी। दवाई लेके आनी थी बाबा की, वो तो गंगा आज मुझे ठाकुर ने बुला लिया मिलने के लिए, वरना हम आज तुम्हारी दवाई खाते। हटो मेरे रास्ते से और कभी मेरे रास्ते में मत आना। गंगा गंगा, बड़ी मासूम कली है वो तो, ठाकुर साले उसने बुला लिया मुझे टाइम बर्बाद करने के लिए, वरना इस गंगा को तो अंजलि में भर के पी जाता।
ठाकुर बोलो, पिछली बार जो बिजली थी ना, बड़ा ही मजेदार बिजली थी। ठीक है वैसे तू, बिजली को तो ऐसा रगड़ा कि आज वो बीहड़ों में रगड़ रही है, रगड़ रही है। उसका करंट भी खत्म हो गया। पर कुछ भी कहो, चीज घड़ी जोर की थी। वाह। पर लाला, थारे मुंह से ये सब बातें अच्छी ना लगे, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी हो गई और पुरानी चीजें सूंघना ठाकुर की फितरत ना है। सही बात ठाकुर साहब। सारी बात छोड़ो ठाकुर साहब, पहले ये बताओ कि हम दोनों को तुमने यहाँ क्यों बुलाया? हाँ। क्या पूछते हो चौधरी, थारे को यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, यही तो पूछने का मेरा। मारे सैतानी खोपड़ी में एक नई बात आई से, और वो तुम दोनों के बिना अधूरी रह जाएगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लोमड़ी जब भी शिकार करती है ना, तो झुंड में करती है, और लोमड़ी जब शिकार झुंड में करती है, चाहे उसके सामने शेर ही क्यों ना आ जाए, उसको भी ढेर होना पड़ता है। अबे ठाकुर, अरे मुझे पता था ठाकुर ने बुलाया, कोई ना कोई कमीना आइडिया, कोई ना कोई कमीनेपन उसके दिमाग में चल रहा होगा। एक ही शिकार बचा से इस पूरे गांव में। पता है कौन? कौन ठाकुर साहब? मेरे रात की रानी और इस गांव की आखिरी मणिका गंगा। गंगा? क्योंकि हमने सारी गंगाओं में हाथ धो लिए, बस एक आखिरी यही बची है स्नान करने के लिए। अबे ठाकुर, बस यही सोचता हूँ इस गंगा को कब मैली करूँ। क्या बात है ठाकुर साहब, तुमने मेरे हृदय की बात कह दी, वरना हमने इससे पहले कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी, नाला नदी कीचड़ नाली कुछ भी नहीं छोड़ा ऐसा जिसमें हमने डुबकी ना लगाई। चौधरी चुप, अपनी बकवास अपनी बंद करा करो चौधरी, जब जो बात बोलने की ना हो उसको मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। हो गए चुप। अब मेरी बात तो तुम दोनों अपने दिमाग में घर कर लो, कैसे भी उस गंगा को मारी पुरानी वाली हवेली पर ले आओ, उसके बाद अपनी चांदी चांदी, क्योंकि गंगा ही रह गई है जिसको हमने चखा नहीं है। ठाकुर, मन की बात कह दी रे तूने। मन की बात ना है भाइयों, हमारे मन में तो पता नहीं ये बात कब से थी, बस मैं तो बस अच्छे से मौके का इंतजार करे हूँ कि कैसे भी गंगा मारी हो जाए और सबकी हो जाए, तो क्योंकि जल्द बहुत ही जल्द तुम लोगों को पता है गंगा की शादी होने वाली है, और मैं चाहता हूं कि उसके दूड़े से पहले उसके साथ सुहाग रात हम तीनों की मड़े। क्या बात है ठाकुर, बिल्कुल बढ़िया बात। ठाकुर बस मुझे ना तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है, तुमने जब जब खीर बनाई है तो हम तीनों को मिलके खिलाइए, तीनों को मिलके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे भी करके उस गंगा को मारी पुरानी हवेली पर ले आओ, उसके बाद चौधरी। हाँ लाला, तुझे पता है ठाकुर ने हमसे क्या कहा था? मुझे सब कुछ पता है। पता है ना? बिल्कुल, बस तुझे अपने काम पर निर्धारित रहना है। तुझे चौधरी, मुझे लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है, जब देखो ऐसे शुद्ध शुद्ध शब्द बोलता है। सुन काम की बात, कान खोल के सुन लियो। कहा हो लाला? अब हम सीधे ना गंगा के घर जाएंगे, ठीक है? चलो, गंगा का बाप तो पड़ा है बीमार। लाला ये कर्जा कर्जा कर्जा, ये क्या लगा रखा है कर्जा कर्जा? अरे उस कर्जे से वो हवेली थोड़ी पहुंच जाएगी। चौधरी यार, मुझे तो लगता है तेरी बुद्धि में ना भूसा भरा हुआ है। तुझे मैं समझा रहा हूँ, जब तक हम गंगा से कहेंगे नहीं कि तेरे बाप पर हमारा कर्जा है, मैं भी कहूंगा तू भी कहियो
और ठाकुर तो पहले से ही योजना बनाए बैठा है रे। अरे लाला, और जब हम कहेंगे ना गंगा से, यहाँ तो हमारा कर्जा दे, नहीं तो तू ठाकुर साहब से उनकी पुरानी हवेली पे मिल ले। मिल ले? अरे वाह लाला, तेरी तो बुद्धि कुत्ते से भी ज्यादा चलती है रे। चल, हो गया, चलो 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 गंगा के घर चलते हैं। आओ लाला। चौधरी, एक काम कर। बोलो लाला। तू आवाज लगा उसके पिताजी को, हीरा लाल को। हीरा लाल, हीरा लाल, हीरा। बोलिए लाला। हीरा को बुलाया, पन्ना अपने आप चली आई। इतनी रात गए, क्या काम पड़े आप लोगों को? काम? ऐसा है गंगा, सुन, हीरा लाल जी ने ना हमसे कर्जा लिया था 2 लाख रुपए, और आज हम उनके पैसे देने की तारीख थी, और हम उसी समय आए हैं। बेटा कौन है? पिताजी, वो लाला और चौधरी है। बेटा उनको कर्जा। पिताजी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं बात कर लूंगी। देखिए पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है, अभी इस वक्त तो पैसे नहीं है। तेरी तो तबीयत खराब नहीं है गंगा। यो लाला, मतलब नहीं समझी मैं? मतलब नहीं समझी लाला, उसको जरा मतलब समझा। मतलब आज हमें अपना पैसा चाहिए। पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है लाला, मैं कहाँ से ला के दूंगी पैसा? और हमें अपना तो अपना, साथ में ठाकुर का भी पैसा चाहिए। रुको रुको, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम्हें और पैसे भी चाहिए होंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी भी है। क्यों गंगा? चौधरी, नहीं चाहिए ना? नहीं। ले लो पैसे, बहुत सारा पैसा है, तुम जो जवान रखोगी वो पैसे हम तुम्हें देंगे। अभी तो पैसे नहीं है। पैसा नहीं है गंगा? जब तू मुझे मिली थी, तू तो कह रही थी तेरी शादी होने वाली है। जब तेरे बाप के पास पैसा नहीं है तो तेरी शादी कैसे हो रही है? अच्छा सुनो, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, ये बात तुम ठाकुर साहब से जाके करोगी। इस वक्त हम चलते हैं, सिर्फ इतना ही कहने आए थे कि ठाकुर साहब ने पैसे के लिए भेजा था हमें। और हाँ, अपने पिताजी से या फिर खुद ठाकुर साहब से जाके बात जरूर कर लेना, वरना उनके कहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुझे क्या लगता है लाला, वो आएगी? कौन, गंगा? और किसकी बात करूंगा मैं। अबे चौधरी, गंगा नहीं, गंगा का बाप भी आएगा। अबे तुझे पता नहीं, जो ठाकुर का कहर है ना, जब तक इस गांव में गोरी गोरी लौंडियां है ना, सब पे बरसा है, तब गंगा कहां से बरसेगी रे। ठाकुर साहब आपने बुलाया। गंगा, हाय हाय, थारे आने से तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में बहार आ गई। ऐसा लगता है दोबारा हमारे घर में फूलों का फिर से महकना शुरू हो गया। वैसे बुलाया तो था, थारे को पता है थारे बाप पे हमारा कितना कर्जा है? ठाकुर साहब, अभी बाबा बहुत बीमार है, हाय हाय, उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। ओहो, कुछ समय तक रुक जाइए, आपका पैसा जरूर दे दिया जाएगा। समय ही तो ना है हमारे पास, समय ही तो ना है, मैं समय ना दे सकूंगा। और सुन, थारा बाप भी बीमार से, और थारे को और भी पैसों की जरूरत से, क्योंकि थारी शादी भी होने वाली से। तुझे मार, तुझे पता है शादी से पहले बिल्ली मारना किसे कहते हैं? जी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। समझी ना गंगा, समझ मेरी बात को। हमारी बात ये है थारी से कि देख, थारा बाप बीमार से, और थारी हो जाएगी शादी, और थारा बाप मर गया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा ना। नहीं ठाकुर साहब, बाबा ठीक हो जाएंगे तो जरूर आपका पैसा देंगे।
ऐसा नहीं है कि आपका पैसा मारा जाए। मेरा विश्वास कर सके हूँ थारे बाप का, क्योंकि थारे बाप का कोई भरोसा ना, कब किस रास्ते से मर के निकल जावे, मारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा और ठाकुर अपना नुकसान ना होने देवे है कभी। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, मेरे बाबा बिना इस दुनिया में पर कोई। गंगा, थारे को एक बात बताऊं, थारे पास पैसा चुकाने का एक और तरीका है। ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब आप? मैं कर क्या रहा हूँ गंगा, मैं तो यू कह रहा हूँ थारा पैसा भी चुक जावेगा और थारे को और पैसा भी मिल जावेगा अगर तू राजी से तैयार हो जावे तो। ये क्या कर रहे हैं आप? गंगा, ये मैं वही कर रहा हूँ जो थारे साथ थारी शादी के बाद थारा दूल्हा करेगा, उस दूल्हे से पहले मैं सोचूं कि मैं ही करूं। अरे मार जंगली रानी, छोड़ दो ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो मुझे तो घान डाल दिया, तेरा अंग अंग चूसे, मुझे माफ कर दीजिए। और क्या खुशबू है ठाकुर, तो आ गया, कुछ भी सको गणी चौकी चीज से। ठाकुर ले लिए मजे, अब तुम दोनों पकड़ो, मैं मजा लेके आता हूँ। जिंदगी का ये भी ले रहा मजा, जिंदगी का छोड़ दे, कमीने छोड़ दे, तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अरे गंगा, कब से तेरे पीछे था आज। अरे गंगा, ठाकुर चल ले चौधरी, बची हुई खीर खाया कुत्ते। छोड़ दे मुझे, मेरी रानी, चौधरी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे चौधरी, इस भक्त का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। छोड़ दे चौधरी, छोड़ूंगा मुझे, छोड़ दे भगवान के लिए, छोड़ूंगा। क्यों बे चौधरी, एक साथ चिल्लाते चिल्लाते उस गंगा की आवाज बंद कैसे हो गई? मुझे लगता है लाला कि कहीं वो मर गई। कोई बात ना से उस साड़ी को उठा के और बिहार में फेंक दो, साड़ी के मांस को कुत्ते और चील कौवे नोच के ले जाएंगे, पता भी ना चलेगा हड्डियों का। ठाकुर भेड़ों में ठीक उसी तरह जिस तरह बिजली को फेंका था। आओ लाला चल। कुछ भी कहो, ये दोनों साले मारी झूठन चखनी लायक ही से, दोस्त ना होते तो आज मारी चुत्तों में पड़े होते। बस यही मेरी कहानी थी, उन दरिंदों ने मेरे साथ वो किया जो हर किसी की रूह कांप उठेगी। और लेकिन तू तो डाकू थी, तू तो उनसे बदला ले सकती थी। नहीं गंगा, मैं उसे बदला लेती, लेकिन मैं तब से अकेली थी गंगा, बस यही सोचती थी कि शायद मेरा कोई सहारा बन जाए। गंगा, हम दोनों कितनी अच्छी जिंदगी गुजारते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ हम खाना भी खाते थे, कितना खुश रहते थे हम लोग। लेकिन क्या क्या हमने सपने देखे थे, हमारी ऐसी शादी होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन दरिंदों ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी गंगा। जिस तरीके से हमारी जिंदगी बर्बाद करी है ना, वो भी चैन से नहीं रह पाएंगे। हाँ, उनकी रूह कांप उठेगी हमारा नाम सुनते ही, उनसे अपना चुन चुन के बदला लेंगे। अब इस गांव की उस गांव की किसी भी लड़की के साथ या किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, जो हुआ सो हुआ, एक से भले दो। हाँ गंगा, उन जल्लादों को तो ऐसी मौत देंगे कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। जा
अपनी बंदूक लेके आ। हाँ गंगा। अब इन बंदूकों से उन जल्लादों की कब्र खोदेंगे। बहुत दिन हो गए ठाकुर से बात करूंगा, काफी दिन से कोई कली नहीं चखी। चौधरी कली चखेगा? बिजली, तू तो बिहड़ में थी और यहाँ कैसे? तेरे होश उड़ गए मुझे देखकर। होश उड़ गए? तेरे पीछे तो पुलिस लगी हुई थी। हाँ तो पुलिस मेरा क्या बिगाड़ेगी? हाँ मुझे देखकर बड़ा पसीना आ रहा है चौधरी। क्या हुआ? उस टाइम तो जब मेरी इज्जत लूट रहा था तब तो तुझे पसीना नहीं आ रहा था? नहीं, नहीं। आज तुझे पसीना क्यों आ रहा है? नहीं बिजली, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, सब ठाकुर साहब ने मुझे इजाजत दी थी इस काम के लिए। ठाकुर साहब ने तुझसे जबरदस्ती इज्जत उठवाई थी? हाँ बिजली, हाँ जबरदस्ती। बिजली तू तो मेरे मतलब मेरी तो बिटिया के बराबर है। अच्छा तू मेरी बिटिया है बिजली? मैं तेरी बिटिया हूँ? हाँ। बिटिया बताता है जब मैं तेरी बिटिया नहीं थी, अब तेरी बारी आई तो मैं बिटिया हो गई? हाँ बिजली नहीं, तू जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं नहीं बिजली नहीं। इस हवस को अपनी माँ बहनों पे क्यों नहीं उठाई तूने? हाँ क्यों आज तुझे हवस नहीं लग रही है लड़कियों को नोचने की? हाँ नहीं लग रही? नोच, अब नोच मुझे, नोच ना। क्यों माफ कर दे, अब जबरदस्ती नहीं करेगा? अब मेरे कपड़े नहीं उतारेगा? हाँ नहीं बिजली, तू तो मेरी बेटी का सपना है बिजली। बेटी ब्यूटी, ब्यूटी लव जनो भूल जा। जा चौधरी, तूने तो मुझे एक भी मौका नहीं दिया था जाने का, लेकिन मैं तुझे एक मौका जरूर दे रही हूँ। तुझ पे जितना भागा जाए भाग। जा चौधरी जा। आओ चौधरी आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। हराम जादे पासा। नहीं गंगा मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? हराम जादे तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे माफ कर दूं? हराम जादे मैंने भी माफी मांगी थी। अरे क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का जो मेरे साथ इतनी दरिंदगी की थी? तू तो काबिल भी नहीं है। तुम माफी मांग रहा है ना? याद कर वो दिन। मुझे माफ कर, मुझे माफ। हराम जादे बता क्यों किया था मेरे साथ? मुझे माफ कर दे गंगा, गंगा मुझे गंगा। उठ चौधरी उठ। चिंगारी मुझे खड़ा हो। मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? बिजली देख क्या रही है? उतार कुत्ते के सीने में गोली, मार इस कुत्ते को। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे चिंगारी। माफ कर दूं? मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? माफ कर दे चिंगारी। तूने मुझे माफ किया था? माफ। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं तुझे? मैं तुझे माफी नहीं दूंगी गंगा, मुझे माफ कर दे। मार गंगा। गंगा एक दुश्मन तो हमारा मिट गया, अब दूसरे की बाकी है। बहुत दिन हो गए हगड़ाई लेते हुए, अब तो ठाकुर साहब से बात करनी पड़ी। गांव में कोई कली खिली के नहीं। लाला, ए लाला। गंगा तू? हाँ मैं। तू जिंदा है? जाको राके साइया मार सके ना कोई। तुम लोगों ने मुझे मारने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया।
और आज तुम लोग नहीं बचोगे मेरे हाथों से। और तू लाला, तू तू तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा। तू तो ला लिए मैं गांव की, तू छोड़ दे, वो ठाकुर ने करवाए, तुम्हें बहन है, तू छोटी। उस टाइम मैं लाली नहीं थी, जिस टाइम तुम लोग मेरी इज्जत लूट रहे थे। लाली वो तो, अरे उस टाइम मैं इस गांव की बेटी नहीं थी। मेरी इज्जत से खेला जब मैं तुम्हारी बहन नहीं थी। मेरी इज्जत को तार तार किया गया क्या जब मैं इस गांव की बेटी नहीं थी? तू लाली है, देख बार माने ठाकुर ने करवाओ, जो कुछ करवाओ, के जो भी था ठाकुर ठाकुर। जब मौत सामने खड़ी हो ना लाला, तो अच्छे अच्छों की गीली हो जाती है। खैर, तूने तुम लोगों ने तो हमें एक मौका नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे एक मौका जरूर दूंगी। भागना चाहता है तो भाग ले, अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग, तुझ पे जितना भागा जाए। इधर कहाँ जा रहा है लाला, इधर भाग, घर के अंदर ही भाग रहा है। बिजली तू आजा लाला आजा, मैं तेरे ही इंतजार में खड़ी थी। बिजली बिजली तू मुझे माफ कर दे बिजली। क्यों लाला, तुझे बंदूक दिखी और अपनी मौत दिखी तो तू हाथ जोड़ने लग गया लाला। बिजली आज कुछ बोलेगा नहीं लाला। तू बेटी है मेरे गांव की, तू मुझे माफ कर दे, ठाकुर ने करवाओ जो करवाओ। अच्छा लाला, मुझे पता नहीं था मैं बेटी हूँ उस गांव की। तू तो मेरी लाली है, माफ कर दे मुझे ठाकुर। हाँ लाला, मैं लाली हूँ तेरी, तभी तो तूने मुझे नोच नोच के खाया था, है ना? वो माफ कर दे, एक बार माफ कर दे। माफ कर दूँ? डर लगता जब बंदक पलंग कर ले, बंदूक की नले तो पलंग। वो भी तुझको माफ कर दूँ? अब मैं लाली हो गई? जब मैं लाली नहीं थी, जब मैं तेरी बहन नहीं थी, हाँ? क्यों लाला, आज इज्जत नहीं लूटेगा? और हाँ लाला, जब तूने इज्जत लूटी थी तब तो एक ही थी, आज तो दो दो है, आज तो तुझे बहुत मजा आएगा। बिजली बिजली गंगा गंगा बिजली मुझे माफ कर, तुम बेटी हो मेरी। लूटना गंगा की इज्जत लूट? अरे आज तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। हाँ लाला, ठाकुर ने करवा, तुम तो बेटी है। चल क्यों लाला, भागना चाहता है? है लाला, भागना चाहता है तो भाग लाला, जाना। तुझे एक मौका और देते हैं। हाँ लाला, अगर इस बार तेरी जान बच गई तो ठीक है। बचाना चाहता है अपनी जान तो भाग तो जंगल की तरफ। जा लाला जा। भाग लाला भाग, जहां तक भाग। तुझे भागना है भाग, भाग जा गंगा। गंगा, एक दुश्मन तो गया, अब सिर्फ आखिरी दुश्मन बचा है, और उसे इतनी आसानी से मौत हम नहीं देंगे। हाँ गंगा, उसे तो तड़फा के मारना है। क्या बिजली ने और गंगा ने चौधरी और लाला को मौत के घाट उतार दिया? मतलब किसानों ने अधूरा काम छोड़ा और मौत के घाट भी उतर गए। ठीक है शंभू, मैं कमिश्नर साहब को कॉल करता हूं। उठा। नमस्ते कमिश्नर साहब, ये आपके रहते हुए हमारे गांव में के हो रहा है? चौधरी और लाला मौत के घाट उतार दिए गए और आपकी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। जल्दी करिए कमिश्नर साहब, जल्दी करिए, कहीं घड़ी देर ना हो जाए। ठीक है कमिश्नर साहब, पर मुझे भी तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों मारी मौत के लिए भी कभी भी आ सके हैं, कभी भी आ सके हैं, कभी भी आ सके हैं।
क्या होगा? क्यों ठाकुर, नींद नहीं आ रही क्या? क्या हुआ ठाकुर? बड़ी बेचैनी से बिजली ठाकुर को बगैर लड़कियों के नींद कहाँ आती है? हाँ गंगा, इसको तो नई नई लड़कियां चाहिए ना रोज। हाँ नहीं गंगा, मारी को माफ कर दे, मैं जानता हूँ घड़ी घड़ी गलती की है मारी। लो, घड़ी गलती की है। अच्छा किया तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। उन दोनों कुत्तों के साथ यही होना चाहिए था, वो दरिंदे थे। उन दरिंदों के बातों में मारे को फंसा के उन दोनों ने तुम्हारे साथ सारी बदसलूकी करवाई, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दरिंदगी करवाई, तुम दोनों की इज्जत लुटवा दी। मारे को माफ कर दे गंगा, मारे को माफ कर दे। माफ कर दूं? ओ, वो लोग तो से जबरदस्ती इज्जत लुटवाते थे। हाँ क्यों ठाकुर, तुझसे कहते थे वो? बिजली मारे को मालूम है, मारे को मालूम है कि उन दोनों की वजह से मैंने थारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया। गंगा मैं थारे चरणों में पड़ता हूँ, थारे हाथ जोड़ता हूँ, मारे को माफ कर दे, मारे को माफ कर दे। मैं जानता हूँ मारे गुनाहों की सजा केवल मौत है, अगर तुम दोनों मारी मौत करना चाहते तो मार दो मुझे गोली, मार दो। बदतमीज, तू ये नाटक हमारे सामने मत कर। माफी मांग रहा है? अरे माफी तो हमने भी तो तुझसे मांगी थी, तब हमारा कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन तूने तूने क्या किया हमारे साथ, याद है तुझे? याद है या याद दिलाऊं मैं? नहीं, याद कर। इसको तो अब याद आएगा, इसे याद नहीं है गंगा। भूल गया ये? मारे को माफ कर दे गंगा, मारे को माफ कर दे बिजली, मारे को माफ कर दे। मैं जानता हूँ मारे ये माफी मांग रहा है। मैं मारे को पता है, मैं मारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मारी सजा तुम दोनों न दो, मारे को कानून के हवाले कर दो गंगा। मैं थारे हाथ जोड़ता हूँ गंगा बिजली, मारे को माफ कर दो, मारे को तुम सजा मत दो। क्यों तुम अपने हाथों को खून से रंगना चाहो? मारे को कानून के हवाले कर दो, मारे को कानून ही सजा देगा, और मैं कानून के सामने अपने सारे गुनाहों को कहने के लिए तैयार हूं। कानून, हम जानते हैं कि कानून के मुजरिम तो हम भी हैं, लेकिन हमें कानून नहीं छोड़ेगा और तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। ना बिजली, ना गंगा, ना। जैसे मारे कुत्तों को भगा भगा के मारा था ना, ऐसे ही तुझे भगा भगा के मारेंगे ठाकुर। भाग, पांव में पड़ता हूं गंगा। भाग, तुझे भागना है। भाग, तुझे भागना हो तो भाग, भाग, बचा अपनी जान, जा बजे जा। भाग ठाकुर, भाग, और तेज, और तेज भाग। गंगा, इसके पैरों में गोली मार, ताकि ये अपने पैरों पे चलने लायक ही ना रहे। हाँ। माफ कर दो मुझे। क्यों ठाकुर, तुझसे भागा नहीं जा रहा क्या? माफ कर दो। उठ, उठ ठाकुर, उठ। माफ कर दो मुझे। उठ ठाकुर, उठ। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। तुझे तो माफी जरूर मिलेगी, लेकिन इस संसार में रहने के बाद। तेरी गुनाहों की सजा नहीं है कुत्ते। हमने अपना बदला ले लिया। हाँ गंगा, और आज से इस गांव की लड़कियों पे जाति नहीं होगी, किसी पे अत्याचार या किसी पे अन्याय नहीं होगा आज के बाद। इस गांव से दुश्मन मिट चुके हैं अब। आज हमारा बदला पूरा हो गया। हाँ
हम भी कानून की नजर में मुजरिम है। हमने कानून के नियमों को तोड़ा है, लेकिन क्या करते, ये भी तो करना जरूरी था। इसीलिए हम आज बिजली, हम भी अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। हाँ गंगा, चलो। इंस्पेक्टर साहब। ठीक है गंगा और बिजली, तुमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी कम से कम सजा हो।